हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, हमने ये वाला स्वेटर पूरा बना लिया है। बहुत प्यारा स्वेटर है, कलर बहुत प्यारा है। तो आप इसको जीन्स के साथ, आप इसको सूट के साथ, साड़ी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो किसी के साथ भी पहने, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। छोटे छोटे से फूल बनकर आए हैं, आप थोड़ा पास से देखिएगा। देखिए, कलर थोड़ा लाइट है ना, तो दूर से दिख नहीं रही है डिज़ाइन, इसलिए पास से ही दिख रही है। तो हमने फुल बाजू का स्वेटर बनाया है, बहुत प्यारी सी किनार बनाई है। लगता ही नहीं कि आपने खुद बनाया है, एकदम रेडीमेड लुक आता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तभी आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो देखिए, हमने सिर्फ 5 बटन लगाए हैं, और इस साइज़ हम आपको बता दें, एस साइज है, स्मॉल साइज है, ठीक है। ये साइज़ मेरा नहीं है, और अभी आप लोग देख सकते हैं, हमने खींच तान के पहन लिया है, बट मेरे नहीं आने वाला है, स्मॉल साइज़ है। अगर मैं बटन सारे लगाऊंगी ना, तो ये मेरे लगने वाले नहीं है। अगर आपको इससे बड़ा साइज बनाना है, तो हमने पार्ट 1 में सारा बताया है कि कैसे आप दूसरा साइज बना सकते हैं। तो पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है, जाके देखें। तो ये पार्ट 2 है, इसमें हम आपको बाजू बनाना बताएंगे, दोनों बॉर्डर बनाना बताएंगे, और ये बटन पट्टी जो हमने बनाई है किनार वाली, इसको बनाना बताएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाना है। और हाँ, इसमें 400 ग्राम ऊन लगी है, थोड़ी सी बची है, लाइक 20 ग्राम या 30 ग्राम ऊन बच गई है। तो आप समथिंग 400 ग्राम ऊन खरीदें, आपकी थोड़ी सी बच जाएगी। अगर आप एस साइज़ बना रहे हैं, तो एम साइज़ बनाएंगे तो पूरी लग जाएगी 400 ग्राम। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाना है हम आपको दिखा दें। हमने इतना पूरा बना लिया है, पार्ट 1 में हमने सारा बताया है, और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमने दिया है, जाके देखें। तो अभी हम आपको बाजू बनाना बताएंगे। एक बाजू भी हमने बना ली है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब दूसरी बाजू कैसे बनानी है, देखिए डिज़ाइन सेम है, जो हमने पूरे स्वेटर में डिज़ाइन डाला है, सेम वही डिज़ाइन हमने बाजू पर डाला है, सेम डिज़ाइन है, कोई चेंज नहीं है। तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ऊन को ज्वाइन करेंगे। इस जगह हमने ज्वाइन करने के बाद 3 चेन ले ली हैं। अब देखिए, वही डिज़ाइन हम डाल रहे हैं जो हमने डाल रखा है। तो देखिए, सेकंड वाली चेन में डाल के देखिए, अभी हमारे पास क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, इसमें डालेंगे 4 हो जाएंगे, इसके पास वाली चेन में डालेंगे 5 फंदे हो गए, इसके पास वाली चेन में डालेंगे 6 फंदों का हमें एक करना है। देखिए, फंदे एक साथ निकाल दिए, अभी एक फंदा है हमारे पास, एक इसमें डालेंगे, 2 हो गए, एक इस लास्ट वाले में डालेंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। देखिए, 3 फंदे हो गए, एक इसमें डालेंगे, वापस 4 हो गए, एक इसके पास वाली चेन में डालेंगे 5, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 6 फंदों का फिर से हमें एक करना है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। फिर से अभी क्रोशिया में एक फंदा है, इसमें डालेंगे, 2 फंदे हो गए, एक इस लास्ट वाले में डालेंगे, 3 हो जाएंगे, और एक जिसमें हम बना चुके हैं इसमें डालेंगे, देखिए 4 हो जाएंगे, फिर इसके पास वाले में डालेंगे 5 हो जाएंगे, देखिए 6 का एक करेंगे। अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए सेम डिज़ाइन का स्वेटर बनाना है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके देखें। बहुत ही प्यारा सा स्वेटर बनाया है, तो वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। और देखिए, फिर से हम 6 फंदे लेकर सारे फंदे एक साथ निकाल दिए, अभी क्रोशिया में एक फंदा है, बीच में डालेंगे, 2 हो जाएंगे, इसमें डालेंगे, देखिए 3 हो जाएंगे, इसमें डालेंगे 4 हो जाएंगे, 5 और ये 6 का एक करेंगे हम, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हमें बनाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपके समझ आ जाएगा पूरी रो कंप्लीट करने के बाद सेकंड रो में क्या करना है, फिर वो हम आपको बताएंगे। देखिए, इसको पूरा ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद 2 चेन ले ली। अब जो हमने फूल बनाया है ना, इसके बीच में आपको ये होल दिखेगा, इसके अंदर हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशा बनाना है।
तीन फंदे एक साथ निकालते हैं उसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए दो बार बना लिया, इसके पास वाले फूल में भी हम दो बार बनाएंगे एक और ये दो, फिर इसके पास वाले में भी दो बार बनाएंगे एक और ये दो, इसमें भी दो बार बनाएंगे। देखिए दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है हमें, इसमें भी दो बार बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। देखिए सब फूल में हम दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बना के रो को कंप्लीट करेंगे। तो हमने पूरी रो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए स्टार्टिंग में जो दो चेन ली थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से तीन चेन ले ली, देखिए दो फंदे हो गए, तीन फंदे हो गए, एक फंदा इसमें बनाएंगे, चार हो जाएंगे, ये पाँच और ये छः। तो हम फूल को काउंट कर लेंगे कितने फूल हैं। ठीक है, फूल हमारा बढ़ना नहीं चाहिए वरना बाजू जो है बहुत ढीली हो जाएगी। जितने हमने फूल बनाए हैं उसको सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है, देखिए फिर से हम छः करेंगे, छः फंदों का एक करेंगे तो एक छोटा सा फूल बन के आएगा। देखिए छः फंदे हैं, इसका एक करेंगे तो एक फूल बन के आ गया। अभी एक फंदा है क्रोशिया में, दो हो जाएंगे, देखिए तीन चार, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, पांच बनेंगे। देखिए देखिए छः फंदों का हमें एक करना है, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। अभी क्रोशिया में एक फंदा है हमारे पास। इसी तरीके से इस पूरी रो को भी हम कंप्लीट करेंगे, इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल सी डिज़ाइन है, एक रो में हमें फूल बनाने हैं, दूसरी रो में दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हमने दूसरी बार ये डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इसके अगले रो में। तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे इस डिज़ाइन को, एक डिज़ाइन में हम फूल बनाएंगे, दूसरी एक रो में हम फूल बनाएंगे, दूसरी रो में हम दो दो हाफ डबल क्रोशिया बना के पूरा करेंगे। तो टोटल हम सात बार ये डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हमारे पास दूसरी डिज़ाइन चल रही है, सात बार देखिए हमने बना ली है यहाँ पर। अब हम फंदा घटाएंगे। ठीक है, इतना बनाने के बाद तो फंदा कैसे घटाने, जब आपका बनेगा कोनी तक आ जाएगा उसके बाद फंदे कैसे घटाने वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें अभी हम दो दो हाफ डबल क्रोशिया बना रहे थे ना, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए दो चेन लेके इस जगह ये फूल ये होल दिख रहा है ना, इसमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें फंदे बीच में नहीं घटाने हैं, साइड से ही घटाने हैं। देखिए एक हमने बना लिया, इसमें एक इसमें बनाएंगे हम, दो फंदे हमने साइड से घटाए हैं, इसमें हम दो बार बनाएंगे। देखिए एक और ये दो, इसके पास वाले में भी दो बार बनाएंगे हम। इस सब में हम दो दो बार बनाएंगे, बस साइड में हमें एक एक बार बनाया है। हमने दो फंदे इस साइड से घटाए हैं, दो फंदे दूसरे साइड से घटाएंगे हम। इस सब में हम दो दो बार बनाएंगे, इसमें दो बार बनाएंगे, देखिए और लास्ट में हम आपको बताएंगे। देखिए सब में हम दो दो बार बनाते हुए पूरा करेंगे और यहाँ पे लास्ट में हम फिर से फंदा घटाएंगे। देखिए लास्ट में दो फूल रह गए हैं, इसमें हम एक एक बार बनाएंगे, एक बनाया, और एक इसमें बना के, और जो हमने चेन ली थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर लिया। तो हमारे टोटल चार फंदे घट गए हैं। अब फिर से देखिए हम तीन चेन बना के फिर से फूल बनाएंगे, एक फंदा है एक इसमें डालेंगे, तीन फंदे हो गए, चार हो गए, इसके पास वाले में डालेंगे पांच और एक छः, छः फंदों का हमें एक करना है। एक फूल बन गया, इसमें डालेंगे, दो फंदे हो गए, इसके पास वाले में डालेंगे, देखिए इसमें तीन हो गए, चार,
तो चार फंदे हमें उसी फूल में से बनाने हैं और दो फंदे हमें चैन में से बनाने हैं, ठीक है। छः का हमें एक करना है। अभी एक फंदा हमारे पास है, एक फंदा हम इसमें डालेंगे, दो हो गए, एक लास्ट वाले में डालेंगे, तीन हो गए, इस चैन में डालेंगे चार हो गए, ठीक है। चार फंदे हमने उसी फूल में से बना लिए हैं और दो फंदे हम अलग से चैन में बनाएंगे। छः फंदों का हमें एक करना है और सिंपल सी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में हमने एक पर्स भी बनाया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अगर आपको टफ़ लग रहा है तो हम एक पर्स का वीडियो हमने बनाया है, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है, वो देख लें जाके, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, या पार्ट वन देखेंगे तभी आपके समझ आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, छः का हमें एक करना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद इसके अगली रो में देखिए हम क्या करेंगे। देखिए दो चेन लेने के बाद इसमें डाल के हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस रो में हम दो फंदे घटाएंगे, सिर्फ एक इधर से घटाएंगे और एक दूसरे साइड से घटाएंगे। एक बना लिया, इसमें हम दो बार बनाएंगे, एक और ये दो, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने एक बनाया इस फूल में और लास्ट वाले में भी हम एक बनाएंगे। इस सब में हम दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा करेंगे। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे लास्ट में क्या करना है। इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए हम यहाँ तक लास्ट तक आ गए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए इसमें लास्ट वाले में भी एक बनाएंगे और स्टार्टिंग में जो हमने चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरीके से हमें एक रो में फूल वाली डिज़ाइन बनानी है, एक रो में हमें दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ आपको लगे फंदे घटाने चाहिए वहाँ पर आप इस तरीके से घटाएँ। तो इस बाजू को पूरा करने के बाद हम लास्ट में आपको बॉर्डर बनाना बताएँगे, बॉर्डर कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए हमने पूरी बाजू की लेंथ कर ली है, तो हमने टोटल 15 बार ये डिज़ाइन बनाई है और जो रो, अगर रो काउंट करें तो हमने 30 रो बनाई है, क्योंकि दो रो में हमारा एक डिज़ाइन बना है, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद अब हम आपको बॉर्डर बनाना बताएंगे, बॉर्डर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में 3 चेन बनाएंगे। लास्ट वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लिया, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। जितनी भी चेन है हर चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। हमने देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया से। अब देखिए हम क्या करेंगे। चेन बना ली, अब एक फंदे को हम इस तरीके से डालकर फ्रंट साइड से डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फंदे को हम बैक साइड से डालेंगे, इस तरीके से डाल के बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक फंदे को हम फ्रंट साइड से डालेंगे, आगे के साइड से डालेंगे इस तरीके से और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फंदे को बैक साइड से इस तरीके से डाल के बनाएंगे।
ठीक है। एक फंदे को हमें इस तरीके से बनाना है और एक फंदे को पीछे के साइड से बनाना है। इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। पूरी रो कंप्लीट हो गई है। स्टार्टिंग में जो थ्री चेन ली थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से हम थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए जो फंदा हमने इस तरीके से बनाया था, आगे के साइड से बनाया था, उसको वैसे बनाना है। जो फंदा पीछे के साइड से आपको दिखेगा उसको पीछे के साइड से क्रोशा डालकर इस तरीके से डबल क्रोशा बनाएंगे। जो फंदा आगे के साइड से दिखेगा उसको वैसे ही बनाएंगे। जो फंदा पीछे के साइड से दिखेगा उसको ऐसे बनाएंगे। तो बॉर्डर ऐसे ही बनता है, क्रोशिया का बॉर्डर हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। तो इस रो को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपको बॉर्डर रखना है इसको इस तरीके से बनाते जाएं। जो फंदा आगे से दिखेगा उसको आगे से बनाएं, जो फंदा पीछे से दिखेगा उसको पीछे से बनाएं। तो बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आएगा। देखिए पूरा बॉर्डर बन गया, दोनों बाजू हमारी बन गई हैं। अब हम फ्रंट साइड में आपको किनार बनाना बताएंगे, किनार कैसे बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके लिए देखिए हम इस साइड में ऊन को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ऊन को ज्वाइन करने के बाद हमने देखिए एक चेन ली है। एक चेन लेने के बाद इसी जगह डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और फिर वापस इसी जगह डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब इसके पास में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम। तीन डबल क्रोशिया के बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। देखिए फिर इसके पास वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमें किनार बनानी है। सिंपल है, जब आप लोग बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो एक किनार बन जाएगी, उसके पास हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे बनाते हुए। इस तरीके से बनाते हुए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने बटन भी लगा लिए हैं और हमने ये किनार एक ही साइड बनाई है, दूसरी साइड नहीं बनाई है। तो बहुत प्यारा सा स्वेटर बन गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, फेसबुक पर अगर फॉलो नहीं किया तो जाके ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको इन्जॉय करें। बाय।